वायरस का लगातार जारी है। मेरे देश का मजदूर आज बहुत मजबूर है। लॉकडाउन 4 का आगाज कुछ दिन पहले ही हो गया है, लेकिन ये तमाम लोग मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ये छोटा मोटा काम कर सभी के सभी यहाँ से पलायन करने को आतुर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जेब में पैसे नहीं। इनसे बात करूंगी। भाई कहाँ के रहने वाले हो? बेतिया जिला का, बेतिया जिला बिहार। तो यहाँ से वहाँ जा रहे हो, काफी दूरी तय कर रहे हो, गर्मी बहुत है, ऐसे जाएंगे? परिवार में कौन है? परिवार में कोई नहीं, इधर अकेले आए हो? अकेले क्या आए? काम करते थे? यही काम करते थे, साइकिल वाले, रद्दी उठाते थे। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम? कबाड़ी का काम करते थे। कबाड़ी का काम, अभी काम तो नहीं है उसका? काम कहाँ है, न रेट है न काम है, क्या करें, परेशानी है। 2 महीने हो गया बैठे हुए, क्या करें। घर आर्थिक मदद मिली है सरकार की तरफ से? कोई मदद नहीं मिली है, कोई मदद नहीं। खाना कैसे खा रहे? खाना जहाँ हम लोग माल उल देते हैं, वो 1 महीने का खर्चा वर्चा दिया तो उनको भी पास में कहाँ से है, 1 महीना वो खर्चा चलाया कुछ हमारे। कमरा किराए पर लिया था? कमरा किराया पर लिया था। किराया मांगा? किराया नहीं, किराया नहीं मांगा, नहीं मांगा। किराया नहीं। साफ तौर पर ये लोग अब पलायन करने को आतुर हुए। आपका क्या नाम है? यही काम करते हैं कबाड़ी का। नाम क्या है? सिपाही यादव। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं उधर चेक कराने। बिहार, बिहार, बेतिया जिला। तो ये मुश्किल नहीं हो रही है? इस समय लॉकडाउन 4 है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रकार काम नहीं है। काम ही नहीं है, हम लोग क्या करें, भूखे नहीं मर है, इसलिए घर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई राशन उपलब्ध? कुछ नहीं मिला है, राशन उशन कुछ नहीं मिला है। काफी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल है। परिवार में कौन है? अकेला है। अकेला है जी। पर अकेले रहते थे, परिवार को पैसे भेजते थे यहाँ से? तो यहाँ से पहले भेजते थे, कमाते थे, अब नहीं कमाते हैं, कहाँ से भेजेंगे? चले साफ तौर पर अब नहीं कमाते हैं, इसलिए कहाँ से भेजेंगे? आपका क्या नाम है भैया? हमारा उमेश यादव नाम है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोरोना का असर इस प्रकार हमारे देश पे पड़ा कि गरीब तबका अब ग्रस्त माना जा रहा है? हम लोग कुछ नहीं है, खाने पीने वाला कुछ नहीं है, वैसे जा रहे हैं घर। कड़कती धूप में बहुत लंबा सफर था, क्या करेंगे अब? जा रहे हैं बिहार, जा रहे हैं बिहार, जा रहे हैं। चले साफ तौर पर ये देखिए किस तरह से अपने साइकिल को लिए हुए ये तमाम लोग जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि चेहरा ढका हुआ है, मास्क पहना है। आपको क्या नाम है? राजकुमार यादव। राजकुमार जी कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? हम भगवती नगर से आए हुए हैं, बिहार के लिए जा रहे हैं। बिहार के? लेकिन इतना जल्दी पलायन क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर क्या उस तरह की स्थिति नहीं है? ये अच्छे यहाँ स्थिति नहीं है, खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। नीतीश सरकार कोई मदद के लिए आगे आई है? नहीं, नीतीश सरकार भी नहीं आई है, कोई सरकार नहीं आया है। तो यहाँ का प्रशासन कोई राशन वगैरह दिया गया? 5 किलो चावल मिला था और 2 किलो आटा मिला था लगभग 2 महीने के अंदर में। तो अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं बबनाबाड़ी पैनामा चौक से आगे, जो 54 मंडल मोड़, अपने चेक कराने के लिए, घर जाने के लिए। चले साफ तौर पर हम चेक करवाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं कहूँ राज्य सरकारों ने आदेश दे कि हमारे राज्य में यहाँ पर आता है उसको सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी, सैंपलिंग करानी होगी, COVID-19 का टेस्ट करवाना होगा। देन वो जब वहाँ पर पहुँचेगा उसके बाद वहाँ की जो सरकार है उस सरकार ने ये कहा है कि क्वारंटाइन में रखा जाएगा तमाम लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं कड़कती धूप है, पारा जो है 40 डिग्री के पार पहुँच चुका है, लेकिन हमारे देश का गरीब तबका अभी भी पलायन कर रहा है। जिंदगी किस तरह से सामान्य हो रही है मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। गाड़ियों की आवाजाही जो है सुचारू रूप से यहाँ पर शुरू हो गई है, लेकिन मेरे देश का गरीब आज मजबूर है, क्योंकि खाने को कुछ नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, लॉकडाउन 4 है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ पर कमजोर है। उसमें मजबूती कब आएगी कोई नहीं जानता। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।